समाज एम्प्लॉयज फेडरेशन नागपुर की ओर से आगामी 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक शहर के छात्राओं के लिए इवेंट लिए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में 10वीं से फाइनल तक के छात्र हिस्सा ले सकेंगे। शहर में पहली बार हो रहे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सामान्य छात्राओं को शिक्षा प्राप्त हो। यह कार्यक्रम शहर के चिटनेस सेंटर में होने जा रहा है। स्पोर्ट्स ठीक है जहाँ पे खेलने कूदने की चीज़ें होती है, ठीक है। टेक्निकल मतलब टेक्निकल चीज़ें जितनी भी रहेंगी वो। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस जो इवेंट है हमारा, ऑब्जेक्टिव जो है उसमें 10 चीज़ें मैंने कैटेगराइज की है, जैसे पावर्टी, वुमन एम्पावरमेंट टू फुलफिल नॉर्मल पर्सन्स डिमांड विच दे आर फेसिंग इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स, टू एनकरेज हैंडीकैप पीपल्स टू कम्पीट विथ अदर पीपल्स, टू सपोर्ट स्पोर्ट्स ऑल ओवर फॉर हेल्दी लाइफ, टू हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, टू यूनाइट एंड अपग्रेड टेक्नोलॉजी टू कम्पीट विथ फॉरिन कंट्रीज इंस्टेड ऑफ लिविंग देयर ओन सिटीज एंड कंट्रीज। माई 8 पॉइंट इज टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट ऑल ओवर द सिटी। एंड 9th इज टू अलर्ट यूथ टू ओबे मॉरल्स विच दे आर फॉरगेटिंग डे बाई डे। एंड द लास्ट इज टू मेक नागपुर फ्री फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जो 3 दिन का इवेंट रहने वाला है, सबसे पहले टेक्निकल इवेंट जो 13 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसमें रहेगा जितने भी 15 साल से लेकर 30 साल के जो बच्चे हैं, वो शायद टेक्निकल रहो या नॉन टेक्निकल रहो, स्कूल का बच्चा रहो या पॉलिटेक्निक का बच्चा रहो, हर एक किसी के बच्चों के पास यूनिक आइडिया रहता है। उस टैलेंट को शोकास्ट करने के लिए हम फर्स्ट डे का जो इवेंट रखेंगे उसमें प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन रहने वाली है। ठीक है, इनोवेटिव प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब अगर कोई बच्चा नागपुर के बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहता है, सपोज कहीं ट्रैफिक जाम होता है तो उसका एक वर्किंग मॉडल तैयार करेगा वो बच्चा। किसी का पोस्टर ड्राइंग अच्छा है तो वो कुछ इन्फॉर्मेटरी मैसेज देगा अपने यूथ को। ठीक है, सेकेंड इज ए क्विज कॉम्पिटिशन है, जो भी फील्ड से रिलेटेड जो रहेगा वो क्विज कॉम्पिटिशन देगा। ठीक है, पोस्टर जो रहेंगे इन्फॉर्मेटरी पोस्टर रहता है, आजकल बच्चों के पास यूनिक आइडियाज़ है। ठीक है, वो अपने पोस्टर के थ्रू आगे कोलैबोरेट करते हैं, मैसेज देते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। सेकंड है हमारा स्पोर्ट्स दिन की रहेगा, क्रिकेट रहेगा, फुटबॉल रहेगा, बैडमिंटन रहेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रहेंगी। ठीक है, ये स्पोर्ट्स का इवेंट इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें टैलेंट होता है, ठीक है, खेलने के लिए टैलेंट होता है, पर उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉपर ना होने के पास किट प्रोवाइड नहीं होती। सपोज कोई बच्चा आर्चरी वाला है, ठीक है, वो आर्चरी में अच्छा है, पर आप आर्चरी की किट लेने जाओगे तो 1 लाख के नीचे नहीं आती है। ठीक है, ये ऐसा है। और जो लास्ट है अपना कल्चरल इवेंट है, अब हम हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं कि हम जॉब्स नहीं मिलते, ये नहीं मिलते, वो नहीं मिलते। ठीक है, बच्चे कहाँ लैक करते हैं, बच्चों के पास नॉलेज वगैरह सब रहता है पर दे डोंट हैव स्टेज डेयरिंग। ठीक है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, द मेन मोटो ऑफ आर इवेंट इज इनोवेशन की खोज मतलब कुछ कुछ बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट रहता है और कुछ कुछ बच्चे हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहते हैं। मेरा मेन मोटो ये है कि दोनों बच्चों को यूनाइट करके कोलैबोरेट कीजिए करें और वो नए नए आइडियाज़ करके हमने नागपुर को बेटरमेंट करें विदाउट कंप्लेनिंग द गवर्नमेंट सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स। खुद अपना जॉब क्रिएट किए, खुद ऐसा इन्वेंशन कीजिए कि आपको किसी के पास पैसे मांगने के लिए जाना ना पड़े, आप खुद ही अपना कुछ इन्वेंशन कीजिए। ठीक है, तो आप सारा नागपुर का बेटरमेंट होंगे। हाँ सर, ते हाँ आम्ही त्याविषयी मी तुम्हाला सांगतो, एंट्री फी मिनिमम ठेवली आहे, पण हे सगळं एक शेड्यूल असं जे बनलेलं आहे पुरस्काराचं कसं आहे की जसं जे एक कॉम्पिटिशन आहे, आता आपण काही जे स्पोर्ट्सचे कॉम्पिटिशन त्यामध्ये 11,000 आपण बक्षीस ठेवलेलं आहे पहिलं, दुसरं जे काही 5,000 रुपये 7,000 रुपये असे आपण 3 बक्षीस ठेवलेले आहे, ते स्पोर्ट्सबद्दल आहे। त्याच्यानंतर मग बाकीचे जे काही इव्हेंट्स आहेत जसं फॅशन शो आहे, त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर पोस्टर कॉम्पिटिशन आहे, क्विज कॉम्पिटिशन आहे आणि त्याच्यानंतर सिंगिंग डान्सिंग, याच्याकरिता आपण मोठे जे जजेस बोलावलेले आहे, ज्या ठिकाणी ते जज करणार आहे त्यांच्यासाठी आपण मोमेंटोज आणि त्या विद्यार्थ्यांसाठी काही कन्सोलेशन प्राइजेस आपण त्या ठिकाणी ठेवलेले आहे। आणि ज्याप्रमाणे आपल्याला सांगू इच्छितो की प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन जो आमचा होणार आहे, जे आम्ही चिटनवीज सेंटरला 13 तारखेला सुरू करत आहोत, 13 तारखेला जे ओपन प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन, त्याच्यामध्ये जे विद्यार्थी 1, 2, 3 क्रमांक येईल त्या विद्यार्थ्यांना VNITs आणि आमच्या संस्थेकडून आम्ही काही शिष्यवृत्ती देणार आहोत,
ती शिष्यवृत्ती त्या विद्यार्थ्यांना पुढे इनोव्हेशन करण्यासाठी आणि इनोव्हेटिव्ह करण्यासाठी आम्ही त्याच्यामध्ये त्यांना सहकार्य करणार. अशा प्रकारचं आमचं पेबॅक टू सोसायटीचं एक उपक्रम आहे. सर्व समाज फेडरेशन ऑफ इंडिया हे माझ्या पप्पाच्या केलेला होता, 2013 झाला होता एस्टॅब्लिशमेंट. ठीक आहे, हा जो स्पोर्टिकवाला इव्हेंट आहे हे मी आता फर्स्ट टाईम ऑर्गनाईज करत आहो. त्याच्यामध्ये 3 दिवसाचे इव्हेंट आहे, टेक्निकल, कल्चरल आणि स्पोर्ट्स हे होणार आहे. ठीक आहे, जे नवीन नवीन जे मुलं राहतील ज्यांच्याकडे युनिक आयडियाज आहे, ठीक आहे, ते आपले ओपन हाऊस प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन राहणार आहे 13 तारखेला. ते आपले ते शोकास्ट करतील ते प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशनमध्ये. आणि जे सेकंड राहतील, थर्ड राहतील, त्यांना आम्ही सपोर्ट करून, जेव्हा पण आम्हाला जे प्रोजेक्ट केले आहे त्याच्याप्रमाणे आम्ही सपोर्ट करू नंतर. आणि जो स्पोर्ट्सचा मुलगा आहे, सपोज तो क्रिकेटमध्ये या फुटबॉलमध्ये चांगला आहे, ठीक आहे, त्याला पण त्याच्यामार्फत मी सपोर्ट करू नंतर. सपोज त्या किटची काही फॅसिलिटी पाहिजे तर किटसाठी सपोर्ट करू. ठीक आहे, तर स्टेज डेअरिंग नाही राहत कोणाकोणाला तर स्टेज डेअरिंगसाठी पण आपण सपोर्ट करू. जॉबमध्ये इंटरव्ह्यूमध्ये त्यासाठीच कटतात, त्यांच्याकडे नॉलेज राहते पण स्टेज डेअरिंग नाही राहत, त्यासाठी ते कटतात. ठीक आहे, हे सर्व गोष्टी होणार आहेत 3 दिवसाच्या इव्हेंटमध्ये.